आज मेरे साथ हैं, ये दाबांग गांव से आए हुए हैं और ये आक्रोशित किसान हैं और फसल बीमा के चक्कर में आए हैं और इनकी जो जो प्रॉब्लम है वो उनसे जानते हैं किस तरीके की आपको परेशानियां आ रही हैं। पिछले दिनों पूरे इलाके के अंदर जो बरसात हुई, तो ये बरसात अनियमित तौर से हुई, कहीं सामान्य हुई, कहीं बहुत ज़्यादा हुई। तो डाबा गांव के अंदर 4 BGP, 3 BGP, चक 6 BGP ए और बी, 8 BGP आदि चक्कों के अंदर इतनी ज़्यादा बरसात हुई कि बरसात का पानी खेतों के अंदर जमा हो गया और पानी रुकने से और उसके बाद तेज़ धूप निकलने के कारण जब पानी का टेम्परेचर क्या बढ़ा, क्या आपकी इस समस्याओं के बारे में प्रशासन ने कोई ये स्वतः संज्ञान नहीं कोई लिया? नहीं, कोई नहीं है। ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने से फसलों के अंदर जो ग्वार की फसल है वो तो लगभग तबाह हो चुकी है और नरमा अब सूखने लगा है। अभी तक प्रशासन की कोई ओर नहीं पहुंचा से है, कोई नहीं जो है। हमारे यहाँ कृषि विभाग है उसकी ये जिम्मेवारी होती है कि वो समय समय पर किसानों को खेती बाड़ी के बारे में जानकारी दे और अतिवृष्टि ओलावृष्टि जब भी होती है तो उनकी उनका फर्ज बनता है कि वो किसानों के साथ मिलें। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हमारे किसानों को अभी तक यही नहीं पता है कि हमारे इलाके के अंदर एग्रीकल्चर के सुपरवाइजर या अन्य अधिकारी कौन है, वो कभी दिखाई नहीं देते हैं। और उसके आगे जो किसान के साथ फसल बीमा के नाम पर जो केसीसियां बनी हुई हैं उन पर लगातार बीमा क्लेम काटा जाता है, जो इस रबी खरीफ फसल का 31 जुलाई को अपने आप काट लिया गया सभी किसानों का, चाहे वो सहमत हो बिल्कुल बिल्कुल या न बिल्कुल हो। लेकिन उस कंपनी का ऑफिस, तहसील हेडक्वार्टर तो क्या, जिला हेडक्वार्टर पर भी उस बीमा कंपनी का कोई क्या ऑफिस क्या या क्या अधिकारी नहीं नाम है उस मिलता। बीमा कंपनी का? क्या AIC नाम से वो एग्रीकल्चर कंपनी इंश्योरेंस है, कंपनी? एग्रीकल्चर इंश्योरेंस एग्रीकल्चर इंश्योरेंस इंश्योरेंस कंपनी के नाम से है। और ये कंपनियां भी हर साल सरकारें जो है नई नई कंपनियों को दे देती हैं और बीमा क्लेम काट लिया क्या जाता है। आपने टोल लेकिन फ्री नंबर पर या किसी कंपनी के नंबर पर सूचना देने की कोशिश मैं की करे है? फोन है बहु बात करी। तो पहला तो मैं बोलिया भी थे और चक नंबर है और कितनी राशि थारी प्रीमियम भी कटी है, बस सारी जानकारी थी। मैंने बतायो तो भी बाद में कह भी थे मारू को जानकारी ले इसको। अगर ते कंप्लेन नोट करवानी है तो ते नजदीक के कृषि विभाग में बैठे थे दर्ज करवाओ, जब थारो कोई ऑफिसर मतलब ले जाए। समस्या का कोई हल नहीं है उनके हाँ, पास। क्या बरसात हुई पानी किया भर जाएगा, फसल किया खराब हो जाएगी, तुमको आके देखो थे तो पानी तो बरसात में मतलब भरेगा। वो ऑफिशियली बातें करने करते हैं, उनको प्रैक्टिकल ज्ञान तो है हाँ ही जी नहीं ना। सरपंच नहीं, साहब, प्रैक्टिकल अभी कौन? किस तरीके के आप ये समस्याएं हैं और किस हमने तरीके के आप आज ज्ञापन देने आए जैसे हो, क्या जैसे आश्वासन दो मिला तीन है? दिन से जो हमारे ये खराबा था इसके बारे में हम अधिकारियों से जैसे चर्चा कर रहे थे, हमें कोई ठोस किसी से कोई आश्वासन नहीं मिला। उसी के सिलसिले में हम गांव से इकट्ठे होके आज तहसीलदार जी से मिले हैं। इन्होंने अभी हनुमानगढ़ फोन लगाया है अधिकारी से, अधिकारी को भी बुलाया, उनसे वार्ता करेंगे कि इस समस्या का क्या समाधान होना चाहिए। दोहरी मार हो गई है, पहले तो हमारी फसल खराब हो गई, उसके बाद प्रीमियम काट लिया। यदि प्रीमियम काटते हैं तो हमें मुआवजा मिलना चाहिए, क्लेम मिलना चाहिए। प्रीमियम भी नहीं हजार है रुपये प्रीमियम भीगा नहीं काटना तो हमारा खराबा हुआ था, हम सहमत है, वो भगवान ने किया है। जब लेकिन दोहरी मार नहीं मारनी चाहिए किसानों का, यदि प्रीमियम काटे तो हमें बीमा क्लेम मिलना चाहिए, इसके बारे में आज मिलने आए हैं। और आप सरपंच हो, आपसे कृषि विभाग के किसी अधिकारी ने अभी तक कोई चीज़ ये कोई हमारा बातचीत नहीं हुई है। हमने कोशिश मदद करने की बात करने की कोशिश की है लेकिन हमारा अभी तक किसी से कॉन्टैक्ट नहीं हुआ। अभी तक हम इसीलिए तहसीलदार से मिले हैं भी हमारे को पता लगे भी कौन अधिकारी है, कौन कंपनी है, किस माध्यम से हमें इसका लाभ मिलना चाहिए। क्योंकि लगभग गाँव में बहुत से किसानों का ये फसल बीमा कटा है, लगातार पिछले 3-4 साल से काट रहे हैं, अभी तक हमें किसी प्रकार का क्लेम नहीं मिला। अब बाद में ये बात आती है भी आपने मौके पर बताना था खराबा हुआ, तो फिलहाल अभी खराबा हुआ है 2-3 दिन से। अब हम इनको बुलाने के लिए आ गए हैं कि कौन सी टीम क्या सर्वे करेगी, कैसे हमें इसका लाभ मिलेगा, इसलिए हम मिलने के लिए आए हैं साहब।